यहाँ जज साहब, तुम्हें दिख रहा है क्या पिताजी? कल 10 बजे जज साहब का जजमेंट मुझे पता चल गया है। इसकी आंखों में दिख रहा है मुझे इसका जजमेंट। मुझे कोई जेमसन की जरूरत नहीं, ना ही कोई सन की जरूरत है। अब श्वेता खुद उसका सामना करेगी। लोकल है या फॉरेन है? लोकल। हाँ, कर लेगी। तुम्हारी पूरी बॉडी का एक्सरे उसके पास होगा। जब देखो तब वो देखता रहता होगा। सुनो, तुम देखना, आज उसे मार कर रहूंगी और सेल फोन लेकर ही रहूंगी मैं। झूम लगता था। अंधेरा हो गया। ये क्या है? ये गेटअप स्टुअर्ट मॉर्टिन का है। तू जा ऑयल लेकर आ जा। सही कहा, जाकर ऑयल लेकर आओ और मेरी बॉडी की मालिश करो। लेकिन तू पूरी बॉडी पे ऑयल लगे करेगी क्या? पहले मेरा हाथ पकड़ो, हाथ को खींचो। इसीलिए गर्ल्स फॉलो मी। अरे सेल फोन कहाँ है? कहाँ पर रखा है यार? श्वेता क्या है? अरे उसको तो देख, अभी उसे दिखने का टाइम है क्या? अरे उसका फेस नहीं, उसकी पैंट देख, पैंट। अरे क्या बकवास है? अरे यार पैंट उसकी पैंट के अंदर मोबाइल है ना, वो देखने के लिए बोल रही हूँ। मेरा हाथ दब गया। वेट कर, कब तक करूं उसके उठने का? देवी माँ मदद करो, देवी माँ मदद करो, देवी माँ मदद करो। पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। गर्ल्स, चोर 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 चोरी 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 अरे क्या हुआ भाई? अरे किधर है चोर? चोर मेरे घर में चोर, किधर है चोर? सपने में आया था सर, पता नहीं फिर कहाँ चला गया। इस उम्र में चोर के सपने आते? तुम्हें लड़कियों के आने चाहिए। हाँ सर। नई जगह है ना, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। नई प्लेस है ना, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। जब तक मैं हूँ इस कॉलोनी में तुम डरो मत। अरे मैं हूँ जी आपकी पत्नी। तुम इस टाइम पे क्या है? अरे इस मून लाइट में मेरी स्किन खराब ना हो जाए इसलिए लगाया है। वैसे अपनी डिसिप्लिन डॉटर नीचे ही है ना? अरे वो बहुत नाजुक और नादान लड़की है, गाय जैसी एकदम सीधी है। आ रहा हूँ बेटी, आ रहा हूँ। अरे अरे मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम? मेरी नादान लड़की बिल्कुल सीधी साधी डिसिप्लिन डॉटर, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। बचाओ। पूरी बॉडी में बहुत सारा ऑयल लगा रखा है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर बाहर ऐसे नहीं जा सकती इसलिए शर्ट डाल दी है। देखती हूँ अभी ये क्या करेगा। एक मिनट, इस सेल में कैमरा नहीं है, इसे रखकर चली जाओ। जाओ जाओ। मैंने इसे कहीं देखा है? कहाँ पर देखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आ, 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 आ,
मूवी आई उसे भी नहीं देखने जाकर स्कूटी लेकर आओ। उसे मैंने कहीं देखा है? देखा है उसे मैंने। क्या हुआ? लगता है टायर पंक्चर हो गया। टैक्सी भी नहीं मिलेगी, अब कैसे जाएंगे? हेलो, रानी जी के रथ को क्या हो गया? पंक्चर हो गया। तो आ जाओ लिफ्ट देता हूँ। चल चल चल, हम किसी भी स्ट्रेंजर से लिफ्ट नहीं लेते। क्या? मैं स्ट्रेंजर हूँ? देखो कलकत्ता एमजी रोड आधी रात में एक लड़की बीच रोड पर। वेट वेट वेट, श्वेता एक लड़की है, ये तुम्हें किसने बताया? है ना, मुझे भी यही डाउट था। श्वेता लड़की नहीं, श्वेता शेनी है। मैं डर गया। देखो श्वेता, यहाँ पर रात को काफी लोग शराब पीकर घूमते हैं, संभल कर जाइएगा। विजय के साथ चले जाती तो अच्छा होता, मुझे डर लग रहा है। चुप रहो, कुछ नहीं होगा। देखो कुत्ते भी रो रहे हैं। कुत्ते रोए तो रोते रहे, मैं भी शेरनी हूँ शेरनी। श्वेता वो शराब पीकर इधर ही आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? ए, तुझे कौन सी वाली चाहिए? मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। अरे ये क्या, मुझे भी तो वही चाहिए। बच गई। जा रहे दिव्या, ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। बता ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं सिर्फ तुम्हारे बारे में। जा चल, देख रही है। श्वेता एक बात बोलती हूँ, बुरा मत मानना, विजय फिर से आ गया, चलो हम चलते हैं। श्वेता ये कहाँ चली गई? दिव्या जल्दी कर भाग यहाँ से। इसे कहीं तो देखा है मैंने, ये मैंने कहीं देखा है इसे, लेकिन कहाँ देखा? हे भगवान, वो नहीं होना चाहिए। 2005 इंटरमीडिएट लास्ट ईयर, जब सीनू ने आई लव यू कहकर मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे चप्पल मारकर ये कहा था कि जो मुझे प्यार करेगा वो कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली क्वालिटी नंबर वन। जब वो मुझे टच करे तो मेरा रोम रोम से हर उठे। हम दोनों कहीं से गुजरे तो देखने वाली लड़कियों को बहुत जलन होनी चाहिए। वो शरीर के जिस अंग को टच करे वहां से अगर हवा भी गुजरे तो ऐसा लगना चाहिए कि टच कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये सब क्या है? इतने दिन से ये तेरा घर है बोल के हमसे रेंट ले रही थी, और वो तेरा चाचा है। हमारा सारा सामान बाहर उठाकर फेंक दिया और हमें कितना मारा, बड़ों की इज्जत तक नहीं। देख कितना मारा है हमें, देख। ए, ये सब तेरे लफड़े तूने पहले क्यों नहीं बताए? जवाब क्यों नहीं देती? हर रोज हमसे फीस भरना है, बुक लेना है, ये सब कह के पैसे लेती रही। छे, एक लड़की होकर ऐसे गंदे काम करती है, ये डैमेज। और मेरा एडवांस कौन देगा बता? एक हफ्ता आप इंतजार कीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। नहीं चलेगा, मुझे अभी के अभी चाहिए, नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। सीधी तरह से मेरा पैसा दे दो। कितना? ये लो एक हीरो आ गया, तू पैसा देगा? कितना? एडवांस 10,000 और इतने नुकसान का 15,000। ये ले पूरे 25,000 और जा यहाँ से, जा। ए, आज के बाद किसी को रेंट पे रूम मत देना, ये काफी पैसे वाला है, इसका हाथ पकड़ ले, सेटल हो जा। तुम्हें बोलने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए, उसके बाद तुम लोग चूकते नहीं हो। आइंदा अगर कहीं मुंह खोला तो जा। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के बाद मैं आपके रूम में रहूंगा। रहने दो, आप मेरे चाचा को नहीं जानते। तुम्हारे चाचा जी मुझे नहीं जानते।